सिग्नल्स आर डेटा। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मेमोरी टाइप्स, हाउ दीज इंस्ट्रक्शन कम फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर एंड देन प्रोसेसर प्रोसेस दीज इंस्ट्रक्शन आर डेटा फॉर आवर यूज आर कन्वर्ट फॉर कन्वर्टिंग द डेटा इंटू इंफॉर्मेशन। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर्स पढ़ चुके होंगे। कंप्यूटर्स की ऑर्गेनाइजेशन मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हाउ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो उसमें एक कंपोनेंट हमारा मेमोरी था, और उस डायग्राम के अंदर जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मैंने सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों को कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाया था, कनेक्टिविटी दिखाई थी कि कैसे ये कनेक्टेड हैं और कैसे सेकेंडरी मेमोरी से डाटा हमारी मेन मेमोरी के अंदर आता है, और मेन मेमोरी से फिर मेमोरी क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सीपीयू के साथ, तो सीपीयू मेन मेमोरी में आता है और मेन मेमोरी से फिर सीपीयू में जाता है, और सीपीयू कैसे उस डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा सीपीयू पुट द डाटा बैक ऑनटू द मेमोरी, वो बैक के मेमोरी के ऊपर रखता है। वो कौन सी मेमोरी होती है? हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। तो ये हमारा पिछले लेक्चर से रिलेट कर रहा है। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक मेमोरी। मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है कोई भी ऐसी फिजिकल डिवाइस है जिसके अंदर हमारा डाटा टेम्परेरीली या परमानेंटली हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ डिवाइस दे स्टोर द डाटा फॉर इमीडिएट यूज़ और फॉर फ्यूचर यूज़। इमीडिएट यूज़ का क्या मतलब है? जो फौरन इस्तेमाल या जिसके ऊपर काम हो रहा है वो मेरा डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता है। और कहाँ पे स्टोर होता है? मेरी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। मेन मेमोरी क्या होती है, अभी मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ। या फिर मैंने कहा था कि फॉर फ्यूचर यूज़, इसका मतलब है परमानेंटली स्टोर होगा, तो ताकि हम फ्यूचर में उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। तो परमानेंटली जो डाटा स्टोर होता है वो मेरा सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर, हार्ड डिस्क वगैरह के ऊपर डाटा स्टोर होता है। इन कंप्यूटिंग मेमोरी रेफर टू द फिजिकल डिवाइस यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स आर डाटा ऑन द टेम्परेरली आर परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन अ कंप्यूटर और अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जिसको हम आज डिटेल के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारी दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो हमारे पास होती है, इनकी दो टाइप्स की हमारे पास मेमोरीज होती हैं। मेरे बच्चे, मैं क्योंकि आप लोग इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, आईटी के स्टूडेंट नहीं हैं, मैं इतनी डिटेल के अंदर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट जितनी आप लोग को ज़रूरत है, जितना मैं समझता हूँ, फील करता हूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को ज़रूर डिलीवर करूँगा। तो आप लोग ये जो नोट्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो आप लोग को मैं बाद में सेंड भी कर दूँगा, तो इनको देख के आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना। उसको ये देखना है कि इस लेक्चर के क्या कंटेंट हैं, सर ने क्या चीज़ पढ़ाई है। तो जैसे ये डायग्राम के अंदर आप लोगों को नज़र आ रही है रैम और हार्ड डिस्क वगैरह, ये हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है मेरे बच्चे? इन स्टार्ट आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इन टू और थ्री लाइंस। रिमेंबर दैट प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, व्हाइल सेकेंडरी मेमोरी इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। इंटरमीडिएट के तौर पर हमारी प्राइमरी मेमोरी आती है। प्राइमरी मेमोरी जो हमारे सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है? प्राइमरी मेमोरी के साथ कनेक्टेड होती है। ये मेजर जो कंसेप्ट है, लॉजिक है, इनके डिफरेंस की ये याद रखिएगा।
प्राइमरी मेमोरी, दिस इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड आर राइट ऑन द दिस मेमोरी। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। मदरबोर्ड की डायग्राम भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, दिखाऊंगा मदरबोर्ड कौन सा होता है इन नेक्स्ट लेक्चर। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने मेरी बातें गौर से सुननी है। एवरी सेंटेंस ऑफ दिस लेक्चर कंटेन एनी कंसेप्ट विच वी नीड। ऐसा कंसेप्ट होगा जिसके अंदर आपको ज़रूरत होगी। अब रीड आर राइट, व्हाट इज मीन्ड बाय रीड आर राइट। देखें, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने जिस चीज़ के ऊपर काम करना है, जिस डाटा के ऊपर काम करना है, वो डाटा कहाँ पे है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, वो हमारे कहाँ पे होता है, हमारी रैम के अंदर होगा। रैम के अंदर पहले लोड होता है। अगर वो हार्ड डिस्क के ऊपर भी सेव है तो वहाँ से पहले हमारी रैम के अंदर क्या होता है, लोड होता है, हमारी रैम के अंदर आएगा। अब फिर रैम के अंदर वो आएगा, लेकिन रैम से सीपीयू ने जो डाटा लेना है वो सारा एट अ टाइम तो नहीं उठा लेगा, क्योंकि सीपीयू के पास इतनी स्पेस नहीं है। सीपीयू के अंदर छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस होती है, जिन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? सीपीयू के अंदर मेमोरी, मेमोरी भी अलहदा होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, बट सीपीयू के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर भी छोटी छोटी मेमोरी लोकेशन होती हैं विच कैन कंटेन वेरी स्मॉल डाटा, जिसके अंदर हमारा बहुत छोटा छोटा डाटा आ सकता है। मीन के बहुत डाटा की उसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है डाटा स्टोर करने की। तो जो सीपीयू है वो डाटा कहाँ से लेता है? हमारी प्राइमरी मेमोरी से लेता है। और कहाँ ले जाता है? सीपीयू के अंदर, रजिस्टर्स के अंदर। अब मैं इसी बात को, ठीक है, ये रीड राइट का ऑपरेशन कंसेप्ट देने के लिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं सेंटेंस बोलता हूँ तो ये याद रखिएगा मेरे बच्चे। ड्यूरिंग रीड ऑपरेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय रीड ऑपरेशन? ड्यूरिंग रीड ऑपरेशन द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन कॉपी टू द सीपीयू रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि जो हमारी रैम के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, सीपीयू ने जब उसके ऊपर काम करना है तो सीपीयू वहाँ से लेगा और कहाँ पे ले जाएगा? अपने अंदर जो सीपीयू रजिस्टर है वहाँ पे ले जाएगा। इसलिए मैंने कहा कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, मीन के मेन मेमोरी के अंदर जो डाटा पड़ा है वो कॉपी होगा कहाँ से? मेमोरी से सीपीयू में, ठीक है। तो सीपीयू जब मेमोरी से डाटा ले रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं? रीड ऑपरेशन। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। इसी तरह जब हम बात करते हैं राइट ऑपरेशन की, व्हाट इज़ मीन्ड बाय राइट ऑपरेशन? जब सीपीयू उसके ऊपर काम कर लेगा, वो वापस उसने डाटा कहाँ पे रखना है? अपने रजिस्टर से उठा के कॉपी करना है, यानी ट्रांसफ़र करना है हमारी मेमोरी के अंदर, मीन के हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। तो तब हम कहेंगे कि सीपीयू का क्या कर रहा है? डाटा राइट कर रहा है। ड्यूरिंग राइट ऑपरेशन द कंटेंट ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स कॉपी टू द प्राइमरी मेमोरी। तो सीपीयू रजिस्टर्स का जो डाटा है वो क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे दो ऑपरेशन होते हैं। सीपीयू मेमोरी के ऊपर दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। तो सीपीयू कैन रीड द डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू कैन आल्सो राइट द डाटा इनटू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से डाटा ले भी सकता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर डाटा रख भी सकता है सीपीयू, ठीक है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी, जब भी प्राइमरी मेमोरी की बात आएगी, मेरी बात याद रखिएगा, हम आमतौर पर किस चीज़ का कंसेप्ट, किसकी बात करते हैं? रैम की बात करते हैं। द मेन फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी विच डिस्टिंग्विश इट फ्राम सेकेंडरी मेमोरी और इट इज़ एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी अवेलेबल। जो हमारे पास क्या है? ये फास्टेस्ट मेमोरी है। अब यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये हमारे प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स हैं, जिसको हम रैम रैम कह रहे हैं। दो तरह की हमारे पास होंगी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा हमारा रीड ओनली मेमोरी। मेरे बच्चे, जब हमारा सेशन हुआ था क्वेश्चन आंसर का, तो उस वक्त काफ़ी सारे बच्चे ने ये रैम के बारे में पूछ रहे थे, उसकी टाइप्स पूछ रहे थे। तो हम आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोग को कोई कंसेप्ट अगर मिस होगा तो आप लोग मुझे नेक्स्ट सेशन के अंदर सवाल कर सकेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी जो हमारे पास है, ठीक है, वो दो तरह की है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जिसे हम बात कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास रोम रीड ओनली मेमोरी। तो अब इसी तरह रैंडम एक्सेस मेमोरी की हमारी दो टाइप्स हैं, डी रैम एंड एस रैम। इसको भी हम इनको डिटेल के अंदर देखेंगे, डी रैम क्या होती है और एस रैम क्या होती है।
इसी तरह रीड ओनली मेमोरी की हमारे पास काफ़ी सारी टैब हैं, पी रोम, ई पी रोम, और फिर ई पी रोम की दो टाइप्स हैं, ई ई पी रोम एंड देन ठीक है यूअर पी रोम। तो ये हमने इनको भी आगे डिटेल के अंदर देखना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं प्राइमरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी को मज़ीद क्लासीफाई किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं पहले रोम की, व्हाट इज़ रोम, ठीक है। जो आप लोग अपने मोबाइल लेने जाए मोबाइल लेके आते हो तो वहाँ पे आप लोगों को कहा दिया जाता है जी इसका रोम इतना है, इनकी उसकी परमानेंट स्टोरेज को रोम का नाम दे देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, जो कि गलत है, ठीक है। हमारी रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो उसकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे कि हमारे पास जिसको हम रोम का नाम देते हैं, वो रोम नहीं होती, रोम एक अलग से हमारी प्राइमरी मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी आल्सो नोन एज फर्मवेयर, इसको फर्मवेयर भी कहते हैं, डाटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। रोम के अंदर रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, मेरे बच्चे इसका नाम उसे क्या बता रहा है हमें, ठीक है। द नेम ऑफ रोम सजेस्ट दैट सीपीयू कैन परफॉर्म ओनली रीड ऑपरेशन बट कैन नॉट परफॉर्म राइट ऑपरेशन। इट्स मीन सीपीयू फ्रॉम कैन गेट द डाटा फ्रॉम रोम बट कैन नॉट राइट बैक टू द डाटा ऑन टू द रोम, रोम के ऊपर वो डाटा बाकी वापस राइट नहीं कर सकता, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि सीपीयू के अंदर जो एक दफ़ा डाटा स्टोर हो जाए, अगर उसकी ज़रूरत है तो वो लिया जा सकता है, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, तब्दील नहीं किया जा सकता, जो पड़ा है वो पड़ा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आप लोग बुक्स बहुत सारी बुक्स के अंदर मेरे बच्चे नोट्स के अंदर भी आप लोग सुनेंगे कि हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन में उन्होंने लिखा होगा कि प्राइमरी मेमोरी इज़ वोलाटाइल बट सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल, कि प्राइमरी मेमोरी में से पावर को कट ऑफ करते हैं डाटा ख़त्म हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से डाटा ख़त्म नहीं होता, ये उन्होंने डेफिनेशन डिफ्रेंशिएट किया होता है। तो मैं इसे कहता हूँ कि ये गलत है, क्यों क्यों गलत है मेरे बच्चे। अब देखिए रोम इज़ आल्सो अ प्राइमरी मेमोरी, रोम इज़ आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू, रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी है, सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट इट्स नॉन वोलेटाइल, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल से मतलब ये है कि जब मैं इसकी पावर कट ऑफ कर दूँ, यानी इसको जो करंट जा रहा है वो बंद कर दूँ, तब भी इसमें से डाटा ख़त्म नहीं होता, इस पर डाटा क्या रहता है, सेव रहता है। तो ऐसी मेमोरी जिसको अगर हम पावर कट ऑफ कर दें, यानी उसको जो करंट दिया जा रहा है वो बंद भी कर दें उसको, तो उससे डाटा उसके ऊपर परमानेंट स्टोर रहे, उसमें से डाटा ख़त्म ना हो, वो नॉन वोलेटाइल कहलाती है। नो डाउट हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, और जो प्राइमरी मेमोरी अगर हम रैम की बात करें तो वो वोलेटाइल है, बट रोम इज़ आल्सो अ प्राइमरी मेमोरी बट इट्स नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल है। इसलिए मैं उसको प्रॉपर इनका डिफरेंशिएट नहीं समझता कि हमारी जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल होती है और प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है। हाँ, इन वेरी स्टार्ट आई टोल्ड यू दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी वी नॉर्मली टॉक अबाउट रैम। जब हम रैम की बात कर रहे होते हैं तो वो वोलेटाइल होती है, इसलिए कुछ जेनेरिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमें सारे ये चीज़ें एक जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, तो उसी तरह के यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया कि अब जब भी हम प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे तो रैम की बात करेंगे। रैम क्योंकि वोलेटाइल होती है, इसलिए हम ये कह देते हैं कि भाई जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होगी वो वोलेटाइल होगी, ठीक हो गया मेरे बच्चे, ये चीज़ें याद रखिएगा। रोम यूजुअली स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, अब रोम हमारे पास इसमें से डाटा मॉडिफाई नहीं होता, अब इसमें क्या चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शन है, हिदायत हैं, ठीक है, उसके लिए जो प्रोग्राम चाहिए होंगे, और डाटा को लोड करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, वो हिदायत वो सारी कहाँ पे पड़ी होती हैं, रोम के अंदर पड़ी होती हैं। जब भी हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो पहले रोम से कंप्यूटर को चलाने की जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या करता है, उसको अपलोड करता है हमारी रैम के अंदर, ठीक है, रैम के अंदर भी नहीं करता क्योंकि ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है, सीपीयू यहाँ से डायरेक्ट ले लेता है। रोम यूजुअली स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर एंड आल्सो हेल्प टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जैसे कंप्यूटर हम ऑन करते हैं द फर्स्ट पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम एक्सेस बाई द सीपीयू, ठीक है, इज़ बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो हमारे पास ये जब भी हम क्या करते हैं
कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर क्या करता है हमारा एक्सेस करता है, सीपीयू बायोस की। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, विच इज़ अ रोम प्री प्रोग्राम जो कि पहले से कहाँ पे सेव होती है, हमारी रोम के अंदर सेव होती हैं, टू स्टार्ट द कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर ऑपरेशन को क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। जब मैं आप लोगों को विंडोज़ इंस्टॉल करना सिखाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा कि देखें ये वाली जो इंस्ट्रक्शन हमें पहले पहले स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है, वो हमारी कहाँ से आएगी, रोम से। रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई हैं रोम से नज़र आने के मुराद ये है कि हम, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में जब इस कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें मैंने यही बताया था कि हम कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू एंड देन हाउ टू डू। तो हमने कंप्यूटर को ये बताया हुआ है तो ये इंस्ट्रक्शन हमारी, हमने प्रोग्राम बना के सेव किए हुए हैं, वो कहाँ पे, हमारे रोम के अंदर सेव होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। तो रोम की हमने टाइप्स पढ़ी थी, रोम के अंदर हमने कहा था कि पी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम आर वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम, ओटीपी वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम। इनिशियली इसको क्या रखा जाता है, ब्लैंक होती है ये। देखें रोम के अंदर डाटा कौन सेव करता है, मैन्युफैक्चरर, जो इसने रोम को बनाया है, ये जो मेमोरी बनाएगा उसके अंदर वो डाटा भी सेव कर देता है, ठीक है, और उसको बाद में मॉडिफाई या तब्दील नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसमें से डाटा रीड किया जा सकता है, उसके ऊपर राइट नहीं किया जा सकता। तो जो हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, पी रोम है, ये इनिशियली शुरू में क्या होती है, खाली होती है, ब्लैंक होती है, एम्प्टी ऑफ द डाटा व्हेन द चिप इज़ मैन्युफैक्चर्ड, जब इस चिप को बनाया जाता है इसको खाली रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूज़र, यूज़र जो है जिसने इसको चिप को परचेज करेगा, इसको यूज़ करेगा, इसको स्पेशल डिवाइसेस को थ्रू, ऐसे नहीं कि हम कंप्यूटर में लगा देंगे डाटा सेव हो जाएगा, नहीं, स्पेशल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम क्या किए जा सकते हैं, सेव किए जा सकते हैं। जब हमने इसको एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया, अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर सेव कर दी, उसके बाद इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता, ठीक हो गया। वंस द प्रोग्राम द डाटा कैन नॉट बी रेज, जब उसमें से हम एक दफ़ा डाटा स्टोर करा दिया तो उसके ऊपर दोबारा उसको रेज नहीं किया जा सकता। उसके बाद ई पी रोम है अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट्स मीन कि जैसे उसका नाम बता रहा है हमें कि हम उसमें से डाटा, जैसे अभी पिछले हमने पी रोम के अंदर पढ़ा कि एक दफ़ा जब हमने सेव कर दिया उसमें से ना तो डाटा डिलीट कर सकते हैं ना ही नया डाटा लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये है कि हमारे जो अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है इसमें हम डाटा क्या कर सकते हैं, इसको अरेज कर सकते हैं, यानी उसमें से डाटा रोम में से डाटा को डिलीट किया जा सकता है। कैन बी रिटर्न टू आर प्रोग्राम, ठीक है, हम जो जगह फ्री होगी उसके ऊपर नया प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। कैन बी अरेज्ड, उसको अरेज्ड किया जा सकता है। ये भी इनिशियली शुरू में ब्लैंक होती है, इसके ऊपर जब भी हम डाटा क्या करते हैं, राइट करते हैं, तो राइट करने के बाद हम इसमें से डाटा को क्या कर सकते हैं, दोबारा अरेज कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू, जैसा कि हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज हो गई या इस तरह की हमारे पास स्पेशल डिवाइसेस यूज़ होती हैं, ठीक है, तब हम जाके उसमें से डाटा क्या कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम कैन बी रिटर्न टू आर प्रोग्राम, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भी इनिशियली ब्लैंक होती है, जब एक दफ़ा हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, डाटा राइट कर देते हैं, ठीक है, दोबारा कैन बी अरेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज यूज़ करते हुए उसमें से डाटा अरेज यानी डिलीट कर सकते हैं। सो द डाटा कैन बी ईजिली मॉडिफाइड, उसमें से डाटा क्या करते हुए, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज यानी अलहदा से डिवाइसेज यूज़ होती हैं, ये नहीं है कि हमारे सीपीयू खुद ब खुद कर देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम इलेक्ट्रिकल अलहदा से कोई डिवाइसेज यूज़ करते हुए उसमें से डाटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी अरेज कर सकते हैं, नया डाटा दोबारा उसके ऊपर सेव कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैश मेमोरी, कि हमारी फ्लैश मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, कैन बी रेज इलेक्ट्रॉनिकली एंड रिटर्न, उसमें से डाटा दोबारा राइट कर सकते हैं, सिमिलर टू द ईईपी रोम, ये उसी तरह है हमारे पास जैसे ईईपी रोम है। मोस्ट कंप्यूटर यूज़ फ्लैश मेमोरी टू होल्ड देयर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन बिकॉज इट अलाउ द कंप्यूटर ईजीली टू अपडेट इट्स कंसर्न, ठीक है, उसमें से ये भी हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर होती है, ये वो वाली फ्लैश नहीं समझ लेना ये जो आप लोग फ्लैश लेके आते हो, ठीक है, ये और हमारे पास फ्लैश मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है। कंप्यूटर मोस्ट कंप्यूटर यूज़ फ्लैश मेमोरी टू होल्ड देयर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे कंप्यूटर के अंदर अपनी रोम की बजाय फ्लैश मेमोरी को यूज़ करते हैं स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन क्या करने के लिए, सेव करने के लिए।
बिकॉज क्योंकि हम उसके अंदर इजीली उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या है बच्चे? रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट गेट्स द वर्ड रैंडम बिकॉज इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस इन नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर। जैसे इसका नाम बता रहा है, देखें एक होता है मेरे बच्चे सिक्वेंशियल ऑर्डर, एक होता है नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर। सिक्वेंशियल ऑर्डर से मुराद ये है कि अगर मेरा डाटा इस तरह स्टोर है, ठीक है, सपोज़ मैं कहता हूँ कि लोकेशंस के नाम मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मेरी पहली लोकेशन है लोकेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज़ मैंने 6 वाले डाटा के ऊपर जाना है तो पहले मेरा काम मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? फर्स्ट डाटा के ऊपर, फिर सेकंड के ऊपर, फिर थर्ड के ऊपर, फिर फोर्थ के ऊपर, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। यानी मैं ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड को लाजमी तौर पर एक्सेस करना पड़ेगा मुझे रिक्वायर्ड रिकॉर्ड के ऊपर जाने के लिए। सपोज मैंने 6 वाला रिकॉर्ड लेना था तो मुझे पहले फर्स्ट वाले पे भी जाना पड़ेगा, सेकंड वाले पे भी, थर्ड वाले पे भी, फोर्थ वाले पे। ये इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस। फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे आप लोगों ने कभी टेप रिकॉर्डर देखा होगा पहले या VCR देखा होगा, उसके अंदर एक कैसेट लगती थी। उस कैसेट में क्या होती थी? रील जो लगी होती थी जिसे हम टेप कहते हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप उसके अंदर होती थी। अब उसके अंदर अगर आप लोगों ने जो अगर सपोज एक नात की आप लोगों ने क्या लगाई हुई है, कैसेट लगाई हुई है, उसकी लास्ट वाली नात सुननी है तो आपको पूरी स्क्रॉल करनी पड़ती थी और लास्ट के ऊपर जाना पड़ता था, तब जाके आप सुनते थे। उसको फॉरवर्ड करना पड़ता था या रिवर्स करना पड़ता था। तो इट्स मीन कि उससे पहले वाले सारे रिकॉर्ड के ऊपर हमें गो थ्रू करना पड़ता था, वहाँ हम अपने जो हमें रिकॉर्ड चाहिए उसके ऊपर पहुँचते थे। उसे हम कहते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस। एक होती है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस से क्या मुराद है? रैंडम एक्सेस से मुराद ये है कि अगर मुझे 6 वाला रिकॉर्ड चाहिए तो मुझे नहीं पता कि ये पहले 5 कौन से हैं, मैं डायरेक्ट जो है ना इसके फर्स्ट पे भी नहीं जाऊंगा, सेकंड पे भी, डायरेक्ट किसके ऊपर जाऊंगा? 6 के ऊपर, और वो डाटा एक्सेस कर लूँगा। उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस स्लो होती है और रैंडम एक्सेस क्या होती है? फास्ट होती है। तो रैम हमारी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट गेट्स द वर्ड रैंडम बिकॉज इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सेस इन द नॉन सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो द डाटा इट सेल्फ इज स्टोर टुगेदर, कि उसके अंदर जो डाटा स्टोर है हमारे पास, इट कुड बी एनी वेयर इन द कंटेनर, कहीं पे भी हो, आर अमाउंट ऑफ रैम अवेलेबल, जहाँ पे भी जगह मिलती है, लेकिन हमें सेम टाइम में वहाँ से डाटा क्या किया जा सकता है? एक्सेस किया जा सकता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट कंप्यूटर यूज टू स्टोर द डाटा एंड सॉफ्टवेयर टू विच इट नीड्स एक्सेस क्विकली। यानी इसके अंदर वो डाटा जो हमें CPU को जल्दी चाहिए होता है वो इसके अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी है। इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी दैट इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन साइड द, ठीक है, क्योंकि वोलाटाइल का वर्ड बच्चे वैनिश से निकला है। वैनिश मीन स्वैप आउट हो जाना, ख़त्म हो जाना, बह जाना। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास हम पावर कट ऑफ करेंगे, कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे, तो उसमें जितना भी डाटा होगा वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताया था कि हमारे पास ये जो आपके मोबाइल हैं या कंप्यूटर हैं समटाइम हैंग हो जाते हैं। वो क्यों हैंग हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास जिसके डाटा क्या करना है, CPU ने जिसके ऊपर काम करना है, वो पहले रैम में आता है। रैम हमारा क्या कहलाता है? वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर या मोबाइल हो गए, मोबाइल इज़ आल्सो टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो जितने भी हमारे पास हैं, ठीक है, ये उसकी क्या है? एक वर्किंग एरिया है। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर चलाएंगे, वो सब इंस्ट्रक्शन या गाना चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे, वो पहले रैम में आएगा। तो रैम की अगर जगह ख़त्म हो जाए और हम कोई और चीज़ चलाने लगें, रैम फुल हो चुकी हो और उसके अंदर क्या करें, कोई नया हम कहें कि भी नया सॉफ्टवेयर भी चला दो कि या नया प्रोग्राम कोई चला दो, तो वो जब उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेमोरी कंट्रोलर उसे कहेगा कि भी इसको लोड करो रैम में, रैम में आगे से क्या होगी? जगह नहीं होगी। जब उसको वो लोड करने लगेगा, पहले से स्पेस नहीं होगी, तो वो हमारा सिस्टम प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा, वो रुक जाएगा। तो हम कहते हैं हैंग हो गया, हम उसको रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट, अब देखो हमारे पाकिस्तानियों को सबसे अच्छा सलूशन क्या नज़र आता है कि जब कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कहते हैं जी इसको रीस्टार्ट करके देख लो। ठीक है, अब लेकिन रैम को जब हमारे पास हैंग होता है, वो रीस्टार्ट करना बनता है। बनता इसलिए है कि जब हम उसके पावर कट ऑफ करते हैं तो उसमें से सारा डाटा ख़त्म हो जाता है। जब रैम फ्री हो जाती है तो हम कहते हैं हमारे वो सिस्टम भी सही काम करना शुरू कर देता है, हैंग नहीं होता। इसलिए ज़्यादा रैम वाले जो हमारे पास होते हैं वो फास्टली क्या करते हैं? काम करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा डाटा आ सकता है। टाइप्स ऑफ रैम, रैम के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक एस रैम है और दूसरी क्या है? डी रैम है। एस स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
हम इनको डिस्कस करके हमारे प्राइमरी मेमोरी को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, हम मूव करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। ऐसे रैम हमारे पास स्टैटिक रैम इज़ अ टाइप ऑफ रैम दैट होल्ड इट्स डाटा विदाउट एक्सटर्नल रिफ्रेश फॉर एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाई टू द सर्किट। अब इसका क्या मतलब है मेरे बच्चे? जब हमारे पास एस रैम, जो हमारे पास है स्टैटिक रैम है, एक है हमारे पास डायनेमिक रैम है, ठीक है। डायनेमिक रैम से मुराद ये है कि उसको क्या मिलता रहता है, जब भी रिफ्रेश होती रहती है। रिफ्रेश होने का मतलब ये है कि उसमें से जो करंट है, ठीक है, वो चार्ज और रिचार्ज होती रहती है, ठीक हो गया। चार्ज होती है फिर दोबारा रिचार्ज उसको करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह जब वो चार्ज हो रही होगी तो उसमें से डाटा ना तो लिया जा सकता है, ना ही स्टोर किया, ना ही उसके अंदर राइट किया जा सकता है। यानी इसका मतलब है उसको जब रिफ़्रेश करने की ज़रूरत, जब वो रिफ़्रेश हो रही होगी, यानी उसको दोबारा करंट करंट मिल रहा होगा, रिचार्ज हो रही होगी, समझ लें मैं आसान वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जब उसको रिफ़्रेश किया जा रहा होगा तो उसमें से ना तो डाटा रीड किया जा सकता है, ना ही राइट किया जा सकता है। लेकिन स्टैटिक रैम ऐसी है जिसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब है उसको जो पावर है, ठीक है, फॉर एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाई टू द सर्किट, सर्किट को कॉन्टीन्यूस पावर सप्लाई होती रहती है, और उसमें से जब हमें पावर मिल रही है तो इसमें से हर टाइम हम डाटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। सो स्टैटिक रैम इज़ फास्टर देन डायनेमिक रैम। दिस इज़ द कंट्रास्टेड टू द डायनेमिक रैम डी रैम विच मस्ट बी रिफ्रेश मैनी टाइम पर सेकेंड इन ऑर्डर टू होल्ड इट्स डाटा कंटेंट। यानी उसका डाटा उसके अंदर सेव रहे, उसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है डायनेमिक रैम को। तो डायनेमिक रैम इज़ स्लोअर देन एस रैम स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम एज़ कम्पेयर टू द डायनेमिक रैम, ठीक है। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम का अगर हम कंपेरिजन करें तो स्टैटिक रैम इज़ बेटर देन डायनेमिक रैम। तो एस रैम आर यूज फॉर द कंप्यूटर्स कैशे मेमोरी। तो एस रैम की जो टेक्नोलॉजी है या एस रैम है वो कंप्यूटर को कैशे मेमोरी के तौर पर भी यूज़ होता है। कैशे मेमोरी क्या होती है इसको हम आगे डिस्कस करके इसको वाइंड अप करते हैं, फिर सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर जाते हैं। डायनेमिक रैम इज़ द स्टैंडर्ड कंप्यूटर मेमोरी ऑफ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर। ज़्यादातर के अंदर क्या हो रही है, डायनेमिक यूज़ हो रही है। इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी दैट नीड टू बी रिफ्रेश विदाउट वोल्टेज रेगुलरली, जिसको बार बार रेगुलरली क्या करने की ज़रूरत है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। अदरवाइज इट लूजेज द डाटा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट। इसके ऊपर जो डाटा स्टोर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। डायनेमिक रैम इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ डी रैम। वोलाटाइल मीन दैट इट लूजेज द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट्स एज सोन एज पावर इज स्विच्ड ऑफ। वो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, रैम को जैसे ही पावर कट ऑफ करते हैं डाटा ख़त्म हो जाता है। हमारी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम है, स्टैटिक रैम को क्योंकि कॉन्टीन्यूसली करंट मिल रहा होता है, ठीक है, और डायनेमिक रैम को कॉन्टीन्यूसली भी नहीं मिल रहा होता, ठीक है, हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जब बार बार रिफ्रेश अगर ना करें तो इसमें से डाटा क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो स्टैटिक रैम इज़ बेटर देन डायनेमिक रैम, ये इनका डिफरेंस है, ठीक है बच्चे। जो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, रैम और रोम का क्या डिफरेंस है, रैम हमारी वोलाटाइल मेमोरी है और रोम हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। बोथ आर प्राइमरी मेमोरी, रिमेंबर दैट। डाटा इन रैम इज़ नॉट परमानेंटली रिटर्न, ठीक है, व्हेन पावर ऑफ डाटा डिलीटेड। इसमें जब पावर ऑफ करते हैं डाटा डिलीट हो जाता है, परमानेंटली नॉट रिरेज, इसमें डाटा परमानेंट स्टोर होता है रोम में। रैम डी रैम एंड एस रैम दो टाइप्स हैं इसकी, रोम की पी रोम है, ई पी रोम है, ई पी रोम है, इस तरह की टाइप्स हैं इसकी। इट रिक्वायर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिटेन द डाटा, डाटा को इसके अपने पास सेव रखने के लिए इसको हर वक्त करंट की ज़रूरत है, ठीक है, इसको रोम को हर वक्त करंट की ज़रूरत नहीं है। रैम इज़ द मेमोरी अवेलेबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम एंड प्रोसेस टू यूज़ व्हेन द कंप्यूटर इज़ रनिंग। जब भी कंप्यूटर चल रहा होगा तो हर वक्त इसको किसकी ज़रूरत होगी, रैम की ज़रूरत होगी, क्योंकि डाटा पहले रैम में आएगा फिर प्रोसेसर में जाएगा। रोम इज़ द मेमोरी दैट कम्स विद योर कंप्यूटर, जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ आती है, दैट इज़ प्री रिटन, उसके अंदर डाटा पहले से राइट किया होता है टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन फॉर बूटिंग अप। बूटिंग अप से मुराद है सिस्टम को चलाने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रिस्टार्ट करना हमारा बूटिंग कहलाता है, ठीक हो गया। अच्छा मेरे कैशे मेमोरी क्या होती है, कैशे मेमोरी इसको दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, ये याद रखिएगा। कैशे मेमोरी भी कहा जाता है, काशी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है, इसको काशी मेमोरी भी कहा जाता है, कैशे मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है, ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। कैश मेमोरी भी पढ़ा जाता है इसको, कैशे मेमोरी, ठीक है, या काशी मेमोरी आल्सो कॉल्ड द सीपीयू मेमोरी इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये भी सीपीयू के अंदर होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट आर
ठीक है, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर क्विकली देन इट कैन एक्सेस रेगुलर रैम। रैम की नस्बत इसको जल्दी से एक्सेस किया जाता है। कैसे मेरे बच्चे? कैशे मेमोरी या काशी मेमोरी, ठीक है, यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और CPU। CPU की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होती है। हाउ इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द CPU? CPU हमारी इंस्ट्रक्शन को चेक करता है, जो बार बार हम उसको करने के लिए कह रहे होते हैं, कोई काम हम बार बार उसको करने के लिए कह रहे हैं, तो वो उसको कैशी मेमोरी के अंदर क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। नेक्स्ट टाइम जब हम उसको वही काम करने के लिए कहते हैं, वो पहले कहाँ पे चेक करता है? कैशी मेमोरी में चेक करता है। अगर वहाँ पे उसको मौजूद हो तो वहाँ से वो एक्सेस कर लेता है और हमें हमारा काम जल्दी से करके दे देता है, ठीक है। अदरवाइज़ उसको मेमोरी में, मीन के रैम में लोड करना पड़ता है, रैम से फिर वो लेगा, फिर वो CPU में आएगी, प्रोसेस करेगा। तो इस तरह हमारी कैश इसकी क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम बार बार गूगल सर्च करते हैं, जब भी लिखते हैं www.google.com, जी गूगल का पेज ओपन होता है। अब हमें हमारा, जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो हमें, जब भी ये लिखते हैं www.google.com, तो हमें गूगल का पेज ओपन हो जाता है। सम टाइम ऐसा भी होता है, कभी आप लोग एक्सपीरियंस कीजिएगा, जब आप लोग किया भी होगा, कि आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने लिखा www.google.com तो गूगल का पेज ओपन हो जाता है। लेकिन हम उसके अंदर जब आगे सर्च करने लगते हैं, वो आगे सर्च नहीं करता, हमें एरर दे देता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, गूगल का पेज क्या है? हम क्योंकि बार बार उसको सर्च कर रहे होते हैं, उस पेज को वो कैश कर लेता है, कैशी मेमोरी के अंदर क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, ठीक है। जब भी हमने उसको रिक्वेस्ट करते हैं www.google.com, तो वो पहले कैशे में चेक करता है, कैशे में वो पेज पड़ा होता है तो वो हमें उठा के दिखा देता है। हम आगे जब फर्दर सर्चिंग करने लगते हैं तो वो नहीं होती। तो इस तरह कैशे मेमोरी से हमारी जो सिस्टम है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वी शुड चेक द कैशे मेमोरी जब हम कोई सिस्टम लेने जाएँ, तो उसकी कैशे मेमोरी भी हमें चेक करनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए कि उसकी कैशे मेमोरी कितनी है। मैं आप लोग को ये चेक करना बताऊँगा, ठीक है, कि हम ये सिस्टम की जब प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग सिस्टम को चेक कर सकते हो, कि इसकी कैशे मेमोरी कितनी है, इतनी CPU कितनी है, CPU की स्पीड कितनी है, रैम कितनी है, रोम कितनी है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। कैशे मेमोरी आल्सो कॉल्ड द CPU मेमोरी इज रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट अ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर क्विकली देन इट कैन एक्सेस रेगुलर रैम। रैम की नस्बत उसको जल्दी से एक्सेस कर लेता है। कैसे, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। दिस मेमोरी इज टिपिकली इंटीग्रेटेड डायरेक्टली विद द CPU। CPU चिप के साथ लगी हुई होती है और प्लेस्ड होना सेपरेट चिप, ठीक है, ये या तो CPU चिप के ऊपर ही होती है या फिर सेपरेट चिप के ऊपर होती है, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड होती है एज अ सेपरेट बस इंटरकनेक्शन विद द CPU। CPU के साथ क्या होती है, या तो सेपरेट क्या होती है, कनेक्टेड होती है। कैशे मेमोरी द बेसिक पर्पज ऑफ कैशे मेमोरी इज टू स्टोर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट आर फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश, जिसे हमें रेफरेंस, ठीक है जी, वो इसके अंदर वो डाटा सेव हो जाता है जो फ्रीक्वेंटली हमें बार बार हम यूज़ कर रहे होते हैं बाय द सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग ऑपरेशन। काम करने के दौरान जिस चीज़ को सॉफ्टवेयर बार बार इस्तेमाल कर रहा होगा उसको कैश कर लेगा, अपने पास पकड़ लेगा, वो कैश मेमोरी के अंदर जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से यूज़ कर लेगा। फास्ट एक्सेस टू दीज इंस्ट्रक्शन इंक्रीज द ओवरऑल स्पीड ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इससे हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है। कैसे, वो मैं आप लोग समझा चुका हूँ। एज द माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस द डाटा इट लुक फर्स्ट इन टू द कैशे मेमोरी, वो कहाँ देखता है पहले, कैशे मेमोरी के अंदर, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इफ़ फाइंड द इंस्ट्रक्शन देयर, अगर वहाँ उसको ये चीज़ें मिल जाती हैं, इट डज़ नॉट हैव टू डू मोर टाइम कंज्यूमिंग रीडिंग ऑफ द डाटा फ्राम लार्जर मेमोरी और अदर डाटा स्टोरेज डिवाइसेज, तो दूसरी स्टोरेज डिवाइसेज जैसे रैम हो गई या रोम होगी वहाँ नहीं जाता, बल्कि वो कैशे मेमोरी से रीड कर लेता है, जिससे इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द CPU, से हमारे पास CPU की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ये कैशे मेमोरी level 1 level 2, ये मेरे बच्चे आप लोग के काम के नहीं हैं, मैं आप लोगों को इसलिए इनको बढ़ा भी नहीं रहा। जैसे यहाँ पे देखें, ये कैशे मेमोरी है, ये CPU है, CPU के साथ आ रहे हैं L1 का बिल्टिंग चिप, ठीक है, उसी के ऊपर क्या लगी हुई है, आप लोगों के पास एक चिप लगी हुई है। इसी तरह L2 कैशे है, वो अलहदा चिप के ऊपर हमारे पास अलहदा मेमोरी है। ये हमारे पास रैम है, रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। बस लोकल बस, बस से क्या मुराद है, बसेस क्या होती हैं मेरे बच्चे, वायर जो बारीक बारीक वायर्स होती हैं जिनके साथ ये आपस में डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं,
जिसे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती है, एक दूसरे को सिग्नल भेज रही होती है, डाटा शेयर कर रही होती हैं, उन्हें हम बसेस कहते हैं। हम इनका लेक्चर भी बाद में देखेंगे कि बसेस क्या होती हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। कैश मेमोरी के लेवल्स हम इतने डिटेल के अंदर नहीं पढ़ रहे, ठीक है। जो हमारे पास जो चीज़ें आप लोग की पढ़ने की चीज़ें हैं वो हमने पढ़ लेनी है। सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे पास ये जो SD RAM क्लासिफिकेशन, जो हमारे पास स्टैटिक या डायनेमिक रैम है उसकी क्लासिफिकेशन है, DDR, DDR2, DDR3, ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे, ठीक है। ये DDR, DDR2, DDR3, DDR4, इनका मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ कि इसका क्या फ़र्क होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हम जब रैम लेते हैं तो उसे पूछते हैं कि ये DDR1 है, DDR2 है, या DDR3 है, DDR4 है, ठीक है। तो ये DDR, DDR3 हमारे पास क्या चीज़ें हैं, सिर्फ इतना याद रखना है आप लोगों ने मेरे बच्चे, इतना कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी जो स्पीड है, ठीक है, वो स्पीड क्या होती है, स्पीड डिफरेंस होता है इनका। जैसे यहाँ पे SD RAM क्लासिफिकेशन DDR है, DDR हमारे पास मैक्सिमम स्पीड कितनी है इनपुट आउटपुट की, 266 MBPS, ठीक है, कि हमारे पास Mbps, ये इतनी Mbps ट्रांसफ़र हो सकती हैं इसमें से इसकी। और ये करंट कितना यूज़ करती है, 2.5 वोल्ट, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी है, मीन कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 128 MB इसकी डेंसिटी है, ठीक है। इसी तरह DDR2 की 400 MBPS, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा है और ये जो पावर है ये कम यूज़ कर रही है। DDR3 इसी तरह 1.5, ठीक है, इसकी स्पीड है और ये इतने ज़्यादा, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जब आप लोग देखते हो तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, बेसिकली हमारा ये इंस्ट्रक्शन जो है ना, हमारा इनका ये फ़र्क होता है। तो अभी हमने ये चीज़ें देखी और उसके बाद हम इसको सेकेंडरी मेमोरी को देख लेते हैं, मेमोरी एड्रेस क्या होता है। ये चीज़ें अभी हमने नहीं देखनी क्योंकि ये आप लोग के काम की नहीं है। अगर ये IT के लोगों को पढ़ा रहा होता तो ये मैं आप लोगों को बताता हमारे पास क्या है, इनके क्या क्या एड्रेस होते हैं। वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, एक मैं साथ आप लोगों को ये बताता चाहूँ कि क्योंकि वर्चुअल मेमोरी का भी काफ़ी सारा कंसेप्ट होता है, ठीक है। मेमोरी एड्रेसिंग हमारे पास डिफरेंट पर्पजेज होते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होते हैं, वर्चुअल मेमोरी इज़ बोरोड मेमोरी स्पेस आउट, यानी जो एक्चुअल में नहीं होती लेकिन हमारे पास, हमने इसको समझ लें कि ये बोरो की हुई होती है, इसको एज अ प्राइमरी मेमोरी के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअल में प्राइमरी मेमोरी नहीं होती। जब हमारी हार्ड डिस्क का यानी सेकेंडरी मेमोरी का कुछ हिस्सा हम उसको रिज़र्व कर लेते हैं कि अगर हमारे वहाँ पे जो एक्चुअल प्राइमरी मेमोरी है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो सेकेंडरी मेमोरी का वो हिस्सा क्या कर ले, एज अ प्राइमरी मेमोरी के तौर पर यूटिलाइज कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। चलिए जी, इसके बाद मेरे बच्चे हमने किस चीज़ को देखना है, सेकेंडरी मेमोरी को, कि सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास क्या है। सेकेंडरी मेमोरी मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती इसके साथ CPU के साथ, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है CPU के साथ। सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑफन फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू अ फाइल सिस्टम, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम होते हैं उसके मुताबिक इसको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, बनाया जाता है। प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्शन नेसेसरी टू द ऑर्गेनाइज डाटा इन टू द फाइल्स डायरेक्ट्रीज के, हमारा फाइल या डायरेक्ट्रीज के अंदर कैसे डाटा स्टोर होगा, यानी हमारे जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई है, सेकेंडरी स्टोरेज है, उसका क्या क्या यूजेज है, ठीक है, वो कैसे हमारे पास ये डाटा परमानेंटली स्टोर करती है। अभी हम प्राइमरी मेमोरी के अंदर पढ़ते हैं कि उसके अंदर डाटा परमानेंटली नहीं स्टोर होता, लेकिन इसके अंदर परमानेंटली स्टोर होता है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है और इसके अंदर डाटा हमारा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। ये सेकेंडरी मेमोरी इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से क्या होती है, ये सस्ती होती है, ठीक है। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, सस्ती होती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी, लेकिन हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कॉस्टली होती है। तो यहाँ पे इन कंप्यूटर स्टोरेज, सेकेंडरी में स्टोरेज इज़ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU ऑफ अ कंप्यूटर रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट चैनल्स। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ यूज टू स्टोर द डाटा इन नॉट इन एक्टिव यूज़, यानी जो जिस डाटा के ऊपर काम कर रहा होता है वो मैंने आपको पहले बताया वो कहाँ पे होता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है, लेकिन जिस डाटा के ऊपर काम नहीं हो रहा वो कहाँ पे होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी से अगर उस डाटा के ऊपर काम करना है, यानी जैसे एक किसी नॉट को चलाना है, तो वो पहले कहाँ आएगी, प्राइमरी मेमोरी में, उसके बाद वो वर्क करेगी। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ यूजुअली स्लोअर देन प्राइमरी स्टोरेज,
बट आल्सो ऑलमोस्ट ऑलवेज हैज़ हायर स्टोरेज कैपेसिटी है, लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, एंड इज़ नॉन वोलाटाइल। ये नॉन वोलाटाइल होती है, मीन कि इसकी पावर कट ऑफ भी कर दें तो इसमें से डाटा डिलीट नहीं होता, विच मेक इट परफेक्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टोरेज इंफॉर्मेशन एंड इवेंट ऑफ द पावर लॉस। कि हमें ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम उसमें ऐसा डाटा स्टोर कर सकें जो हमें बाद में यूज़ हो, अगर पावर कट ऑफ भी हो जाए तो हमें ख़त्म ना हो। तो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये जैसे हमारे पास CD है, CDR हो गई, CDR रीराइटेबल हो गई, DVD, फ्लैश मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप, पंच कार्ड, रैम डिस्क, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ये रैम डिस्क और होती है, रैम हमारे पास और होती है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हमारे पास हो गई, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, DVD हो गई, ये हमारे पास सारे क्या हैं, सेकेंडरी मेमोरी हैं। हाउ इट वर्क्स, सेकेंडरी मेमोरी इज़ द स्लोएस्ट एंड चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी। इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU, इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू द प्राइमरी स्टोरेज। वही बात है जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, इसका डाटा पहले प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा, उसके बाद प्रोसेस होगा, आल्सो नोन एज रैम। तो रैम के अंदर जाएगा और उसके बाद प्रोसेस होगा। ये सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी जो हमारे पास डिवाइसेज हैं, मेमोरी डिवाइसेज इंक्लूड द मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड ड्राइव्स एंड फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क सच एज CDs एंड CD-ROM एंड मैग्नेटिक टेप्स, विच वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी के हमारे पास क्या है, पहली टाइप्स हैं। अब हार्ड डिस्क को अगर हम डिटेल के अंदर देखें, सेकेंडरी मेमोरी इज़ वेयर द प्रोग्राम्स एंड डाटा आर केप्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर डाटा इसके अंदर स्टोर होता है, यानी परमानेंट डाटा स्टोर होता है। कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो आमतौर पर अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क की बात करते हैं। द हार्ड डिस्क हैज़ इनोमेरस स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मेन मेमोरी। द हार्ड डिस्क इज़ यूजुअली कंटेन इन द सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई होती है। द हार्ड डिस्क इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, यानी इसके अंदर डाटा क्या होता है, परमानेंट स्टोर होता है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो है, हार्ड डिस्क माइट हैव द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द 40 GB, जैसे हमारे पास 40 GB, 300 GB, ठीक है, 400, अब 500 GB, अब हमारे पास टेराबाइट्स में चले गए हैं। ये यूनिट्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, यानी इसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी। अब ये मैग्नेटिक टेप वगैरह ये पुरानी मेमोरीज हैं, फ्लॉपी डिस्क हो गई है, मैं आप लोगों को नहीं बता रहा क्योंकि अब इसका कोई यूज़ नहीं है, ना ही आप लोग को इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, सेकेंडरी मेमोरी थी। मैं सेकेंडरी मेमोरी की आप लोगों को ये डायग्राम भी बता देता हूँ, जैसे हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ड डिस्क हमारे पास एक सेकेंडरी मेमोरी है, तो इसकी हम साथ साथ इसकी करेक्टरिस्टिक भी पढ़ते जाते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हार्ड डिस्क की। जब हमारे पास सेक्टर्स, ठीक है, हमारे पास हार्ड डिस्क को में से डाटा किस तरह एक्सेस किया जाता है, मेरे ख्याल में अब हमारा ये लेक्चर एक लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो हम इसको बाद में या डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि हमारे पास इसकी हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है और इसमें से डाटा कैसे रीड किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है।